तो छोटी स्लाइड को आगे बढ़ाओ, 30% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स वर इनवैलिड, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स है ना उसका 30% वोटर्स इनवैलिड है, क्लियर। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वाज 5000, देखो सुनो आपको ये पता है कि टोटल वोटर्स अगर 5000 है उसमें से क्या बताया आपको 30% रजिस्टर्ड वोटर्स वर इनवैलिड, इसमें से 30% इनवैलिड है। अगर यहां से 30% इनवैलिड है कहने से 70% वैलिड होगा, 70% ऑफ 5000। एक काम आप करो, आप इसे 5000 को भी 100 एज्यूम कर लो शुरुआत, बाकी लास्ट में कंपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? 100 एज्यूम कर लेते हैं, टोटल वोटर्स कितने थे इनिशियली 100, ये टोटल वोटर्स है, टोटल वोटर्स। फिर आपको पता है 30 वोटर्स, 30% मतलब 30, 100 से 30 वोटर्स आपके कैसे हैं इनवैलिड। तो अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो वैलिड वोटर्स कितने आ जाएंगे 70, ये आपके वैलिड वोटर्स, क्लियर। फिर आपको बताया जितने वैलिड वोटर्स है ना उसका 60% किसे मिलता है, पहले कैंडिडेट को। सो फर्स्ट कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिलेगा, 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 60% ऑफ 70 कितना हो जाएगा 42। अगर इसे 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40% ऑफ 70 कितना आएगा 48, इसे 28 वोट्स मिले, इसे 42, ये विनर है और ये लूजर। एक चीज आप याद रखना कि विनर कैंडिडेट कितने वोट से जीता और यार लूजर कैंडिडेट कितने वोट से हारा, उसे पता करने के लिए विनर से लूजर को माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि विनिंग कितने से हुआ है, आया ना, इज इट क्लियर और नॉट। चलिए सो आपको ये पता रखा है कि टोटल 5000 वोट थे, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स और अदर कैंडिडेट को कितना मिला, अदर कैंडिडेट को 48। मुझे ये पता है ना हमारे अपोनेंट टोटल वोटर्स 100 यूनिट है बट एक्चुअल में कितना है, सो कैन इसे 100 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 5000 को, से यस और नो, आपको क्या निकालना है लूजर निकाल सकते हैं 48 यूनिट्स। सो 5000 को डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 0000 50 टू 100, अच्छे से 50 को 100 बाय 2 लिखो क्या, 50 को 100 बाय 2 लिखो क्या, इनटू 28 से कर दो क्या, सो ये 14 इनटू 100 1400 ऑप्शंस। ये पहला मेथड ऐसे करने का बिल्कुल बेसिक, क्लियर है। आप एक तो ऐसे कर सकते हो, एक और मेथड आपको मैं बताऊंगा, पहले इसे नोट करो, बहुत जल्दी बहुत तेजी से नोट करो, फिर मैं आपको एक और मेथड इसका बताऊंगा। टोटल वोटर्स एक्स थे, उसका अगर 30% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा, इसका 70% वैलिड होगा, सो 7/10 ये लिख सकता हूं मैं। अब जितने भी वैलिड वोटर्स है ना, एक को तो इसका मिला है 60% है ना, दूसरे को कितना मिला होगा इसका 40%, और आपको बताया टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 5000, अच्छा ये तो बताया ही था, x की वैल्यू बताई है ना आपको 5000 में, सो 5000 का 70% वोट ऐसे हैं जो वैलिड है, 30% मिला है एक वोटर को, दूसरे को मिला है 60%, हमें ये तो पता है ना 60% इसे मिला है, पूछा है कि अदर कैंडिडेट को कितना, फर्स्ट कैंडिडेट को अगर 60% मिला है तो अदर को कितना मिला इसका 40%, तो इसका 40% में अगर निकाल दूं तो अदर कैंडिडेट के वोट्स मुझे मिल जाएंगे, से यस ऑन टू डायरेक्ट करते हैं, सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 100 टाइम्स 7 × 4 7 × 14 × 100 1400 ऑप्शन सी, बताओ क्या सेकंड्स में किया जा सकता था अगर आपको सक्सेस आता है तो, है ना, या कुछ भी 100 एज्यूम करने की आपको नीड थी डायरेक्ट कर सकते हैं। दोबारा मैं समझाता हूं, फिर से सुनना है मेरी बात को, फिर से सुनना और ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहां पे कितने हैं 5000, सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 5000 का 30% वोटर्स इनवैलिड है, अगर 30% इनवैलिड है तो वैलिड कितना है 70%, और 70% को क्या मैं 7/10 लिख सकता हूं। अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये पूछा गया है, तो फर्स्ट कैंडिडेट का बताओ कितना मिला है 60% ऑफ वैलिड वोट्स, ये वैलिड वोट्स है ना, इसका 60% अगर फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है तो इसका 40% 40% को 2/5 सेकंड कैंडिडेट, बस ये अब सॉल्व करोगे ऑप्शन सी, क्लियर, करिए नोट।